हैं, कैसी आवाज आ रही है ठंड ठंड, और कैसे दिखने दिखते हैं जो बन जाते हैं। तो जाइएगा नहीं दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना हमें कमेंट बॉक्स में। हेलो दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हमारे घर बनने जा रहे हैं शिमला मिर्च के पकौड़े। दोस्तों पकौड़े भी बनेंगे और उन पकौड़ों की सब्जी भी बनेगी। तो दोस्तों हम कैसे बनाते हैं आपको जल्द दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि थोड़े से आलू उबाल लेते हैं, उनको उबाल के छील लिया जाता है। छील के जो शिमला मिर्च होते हैं उनको कैसे किया जाता है आपको दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हो चुकी भी काम हो चुका है। तो आपको शॉर्ट में हमारे यहाँ शिमला मिर्च के पकौड़े बनने जा रहे हैं। ये देखो आलू है, इसमें सारा मसाला मिक्स है, जैसे कि नमक मिर्चा वगैरह वगैरह, थोड़ा चाट मसाला डालो तो ज़्यादा स्वाद हो जाता है। और ये देखो पहले शिमला मिर्च ऐसे थे, पहले नॉर्मल थे, तो इनको काट के देखो दोस्तों इस तरह बनाया गया है। अब इसमें आलू भरे जाएंगे, ये वाला मसाला जो बनाया गया आलू का, देखो यहाँ भरा भी जा रहा है। अरे भर के दिखाएं दोस्तों, ये देखो इसमें बन चुका है, ये देखो मसाला भर चुका है दोस्तों। ये खाने का स्वाद बहुत अच्छा होगा, आपको दिखा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, बनाने वाली हमारी मिसेस हैं। देखो लोगों को हेलो करो। बस वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। तो ये रहे शिमला मिर्च, ये छोटे छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े शिमला मिर्च पे आप बहुत प्रॉब्लम होगी, मसाला भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। शिमला मिर्च तो दोस्तों आपको पता ही हो कैसे होते हैं, जब पौधे से तोड़ के लाते हैं तो उनको दोस्तों इस तरह काट लिया जाता है, कुछ उसमें का जो होता है जो बीज वगैरह होते हैं उनको निकाल लिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो उसका मलबा निकलता है, जो गंदगी निकलती है शिमला मिर्च की, तो आपको दिखा सकते हैं ये रहे, ये इसका सारा निकाल दिया गया हुआ है। और अब शिमला मिर्च सारे निकाल के देखो इस तरह हो गए हैं, इसमें कुछ निकाला हुआ कुछ नहीं। ये रहा मसाला दोस्तों आलू का बना, देखो कैसे भरा जा रहा है, बोलो। देखो दोस्तों इस मसाले का सारा शिमला मिर्च भरा जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा आलू का मसाला, इसमें दोस्तों आलू के मसाला क्या दोस्तों उबाला गया, फिर इसको मिसा गया, ब्रीक किया गया, जैसे होता है देखो लड्डू जैसे बनाने तक भर दिया गया अच्छे से। इसमें जैसे नमक, काली मिर्च और क्या नाम सूखा मिर्च का पाउडर, और जो आप चाहो मसाला धनिया पाउडर भी दोस्तों, मतलब जो स्वाद आपने लेना चाहें वो मसाला मिक्स कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, बाकी अपना टेस्ट है जो पसंद होगा वो मिला सकते हो, देख सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे शिमला मिर्च में मसाला भर दिया गया दोस्तों ये रहा, ये देखो दोस्तों इसमें शिमला मिर्च में मसाला भर दिया गया। अब इसको जैसे तला जाएगा या किया जाएगा, जैसा भी किया जाएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे दोस्तों। तो गाइस को वीडियो बने रहे, देखे रहिए, तो गाइस वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे कैसी लगी वीडियो। तो आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या करना है। देखो दोस्तों कढ़ाई में तेल डाल दिया गया है, अब जैसे पकाया जाएगा आपको दिखाता सारा, ये देखो सिस्टम रखा हुआ है जो जो बनने वाला है आपको जरूर दिखाते हैं। देखो दोस्तों देखो दोस्तों इसमें शिमला मिर्च डालने जा रहे हैं, तेल पक चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों। कढ़ाई में सारे शिमला मिर्च डाल लिए गए हैं, अब इनके पकौड़े बढ़िया से बन जाएंगे, तल जाएंगे, अब इसका सब्जी भी बन सकती है, आप जैसा चाहे वैसा स्वाद ले सकते हैं। ये देखो ये मसाला भी डाल सकते हो स्वाद के लिए, ऐसे बनाओ। देखो दोस्तों कढ़ाई में किस तरह ये पक रहे हैं, कैसी आवाज आ रही है ठंड ठंड। तो जब ये दोस्तों बनके तैयार हो जाएंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे कैसे लगते हैं और कैसे दिखने दिखते हैं जो बन जाते हैं। तो जाइएगा नहीं दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना हमें कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों ये कढ़ाई में चलाया जा रहा है, और ज़्यादा तेज चलाना नहीं, नहीं तो इसका सारा मसाला बाहर आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हल्का सा प्लेट से ढक दिया जाएगा ताकि ये भाप से जरिए बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे, नहीं जो ढकेंगे तो इसका जो बकला होता है ना शिमला मिर्च का दोस्तों, ये हल्की सी इसमें वो स्मेल आती रहती है हरा हरा सापन की कचकच कर की, ये ढक दिया जाएगा भाप के जरिए, थोड़ा अच्छे से पक जाएगा, अंदर तक पक जाएगा। तो देखो दोस्तों ये शिमला मिर्च भरुआ पकौड़ा बन चुके हैं दोस्तों, ये इस तरह इसलिए हो गए हैं क्योंकि ऊपर से हमने आलू का भरता डाल दिया हुआ है, ताकि ये सब्जी बनाने के लिए बनाया था दोस्तों। और जो पकौड़ा अलग से बनाते तो आपको पता ही पकौड़ा अलग होते कैसे दिखता, ये दोस्तों हम सब्जी बनाए हैं शिमला मिर्च भरुआ की, तो दोस्तों इसलिए ऐसा लगा दोस्तों। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके दोस्तों, बाय बाय।